पांच ऐसे तरीके आज मैं बताने जा रहा हूँ जो आपकी आंखों की रोशनी को कम होने से रोकेंगे। साथ के साथ अगर आपने चश्मे लगाए हुए हैं, आप लगातार लैपटॉप पे काम करते हो और मोबाइल का दिन भर इस तरीके से यूज करते हो कि आपकी आंखों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप उसको भी आप अपने आप को रिकवर कर लेंगे, आपकी आंखों को दिक्कत नहीं आएगी। वो पांच स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देख रहे हो आई वॉश कप है, इससे आपने सुबह सुबह आंखों को धोनी है। लेकिन इससे पहले क्या करना है, सुबह सुबह आप क्या करो कि वॉशरूम में जाओ और मुंह को फुला लो अच्छे से, पानी भर लो मुंह में, और उसके बाद पहले आंखों को धो, और फिर इस तरीके के कप ले लो आप और उनमें पानी भर के आंखों को इस तरीके से लगाना है, 200 बार उसको पलकों को झपकाना है। इसमें दो चीजें और यूज कर सकते हो आप, नॉर्मल पानी तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल अवेलेबल है तो 15-15 बूंदे गुलाब जल की डाल के और उसमें पानी डाल के उसको भी आप यूज कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा इसको धोने का। दूसरा क्या है कि आप अपने खाने में एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो बहुत अच्छा आंखों के लिए, नींद के लिए बहुत अच्छा है। उसमें आपने 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम लेनी है मिश्री, तीनों को बराबर मात्रा में लेके अच्छे से पाउडर बना के आप इसका यूज कर सकते हो। दिन में सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच आप खा सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सोने से पहले 2 चम्मच नारियल का तेल और 2 चम्मच लेना है शुद्ध देसी गाय का घी, तो उन दोनों को आपको मिक्स कर लेना है। अब इसका फायदा क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या है कि इस तरीके से लैपटॉप को चलाते हैं बहुत फास्ट से, या बच्चे क्या करते हैं मोबाइलों को इस तरीके से यूज करते हैं, रील्स देखते रहेंगे, फेसबुक यूज करेंगे, कार्टून यूज करेंगे, कार्टून देखते रहते हैं ना, तो उनकी आंखों पर रोशनी खराब होने लगती है, आंखों के नीचे से काले घेरे बन जाते हैं, और होता क्या है कि चढ़े चश्मे लग जाते हैं बड़े बड़े। तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, 2 चम्मच नारियल का तेल कोल्ड प्रेस लेना है और 2 चम्मच लेना है शुद्ध देसी गाय का घी, दोनों को आपस में मिक्स करना है, उसकी 2-3 बूंद डालनी है नाभि में सोने से पहले, और उस तेल को आपने नाभि के डाल के और चारों तरफ भी इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। और आप क्या करो कि इसी तेल को अपने पैरों के तलवे पे भी लगा लो, तो ये अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, सोने से पहले इस बेल्ट को, ये जो बेल्ट मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये आपकी आंखों की रोशनी को कम होने से रोकेगी और आपके मोबाइल का जो नुकसान है या एग्जैक्ट का जो नुकसान है उसको भी रोकेगी। इस तरीके से आप इसको पहन लोगे, और इसमें फायदा क्या है कि इसमें हमने मैग्नेट है और साथ के साथ पिरामिड है, तो इसका फायदा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ये जो दूसरी बेल्ट है ये आपने हेड पे पहननी है इस तरीके से, और ये अगर आप दोनों चीजें करते हो, लेकिन इस बेल्ट का प्रयोग सुबह जागने से और सोने से बीच में 30 मिनट के लिए करना है, जो हेड पे लगानी है, और आंखों वाली को आप अनलिमिटेड पहन सकते हो। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जब आप जितने भी गैजेट्स यूज कर रहे हो उसके थोड़े से टाइम के बाद एक ब्रेक लेना है, अपनी आंखों को धोना है और इस तरीके से अपनी आंखों की रोशनी को कम होने से बचाना है, ठीक है। ये सब चीजें अगर आप करोगे तो आपकी आंखों की रोशनी कम होना तो रुकेगी, साथ के साथ अगर चश्मे वगैरह लगे हैं तो उससे भी आपको धीरे धीरे करके छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। ये सारी चीजें मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम मयंक पुरवाल है, मुझसे मिलने के लिए आप कर्नाटक से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।